स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ एंड फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ। आज के समय में तनाव, जॉब का प्रेशर और लॉकडाउन के कारण बिगड़ा लाइफस्टाइल रिप्रोडक्शन सिस्टम पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसका नतीजा ये है कि महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर कोई कपल कंसीव करता है तो उनके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो लोग बेसब्री से पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए पीरियड्स मिस होने का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी पता करने के लिए रिलेशन बनाने के बाद एक महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको 3-4 दिनों में ही पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। आज हम आपको प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कंसीव करने से 3-4 दिनों के बाद ही दिख जाते हैं। ब्रेस्ट में बदलाव आना। जब एक महिला कंसीव कर लेती है तो ब्रेस्ट में कई तरह के बदलाव महसूस किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में भारीपन या झनझनाहट महसूस होना या फिर छूने पर दर्द भी हो सकता है। सबसे पहले लक्षण होता है ब्लीडिंग होना। जी हाँ, फर्टिलाइज्ड एग आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग से चिपकने लगता है, जो उस प्रोसेस के कुछ ब्लड वेसल्स फट जाते हैं जिससे हल्की ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। इससे आप पीरियड के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि पीरियड्स की ब्लीडिंग में ब्लड फ्लो के साथ निकलता है और पेट या कमर में तेज़ दर्द होता है, लेकिन इस प्रोसेस में ब्लड बहुत हल्का आता है और यूट्रस में थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। हालाँकि ये लक्षण हर किसी में नहीं दिखता है। वेजाइनल डिस्चार्ज होना। ये लक्षण भी कंसीव करने के तुरंत बाद ही दिख जाता है, ऐसे इसलिए क्योंकि जब एक महिला कंसीव करती है तो उसके बाद बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, इसी की वजह से वेजाइना की बोल मोटी हो जाती है, जिसके कारण वेजाइना के सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज के साथ वेजाइना में दर्द, जलन या बदबू महसूस हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इन्फेक्शन का लक्षण भी हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस। हालांकि ये लक्षण पहले पीरियड के मिस होने के कुछ दिन पहले दिखता है, मॉर्निंग सिकनेस कुछ महिलाओं को सुबह की बजाय दोपहर या शाम में भी हो सकती है। इसमें उल्टी होना, जी मचलना या सब्जी छोंकने से बदबू महसूस होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।